सोलन में डॉक्टरों की कमी को लेकर युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वह पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, लेकिन आज से उन्होंने आमरण अनशन आरंभ कर दिया है और उनकी मांग है कि सोलन में जल्द से जल्द डॉक्टरों की कमी को दूर किया जाए ताकि जहां सिरमौर, शिमला और सोलन से आ रहे रोगियों को उचित इलाज मिल सके। युवा पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे तो जिला प्रशासन और सरकार उन्हें शायद हल्के में ले रही थी, लेकिन आज से उन्होंने आमरण अनशन आरंभ कर दिया है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आज ताला भेंट कर प्रदेश सरकार को ये दर्शाने का प्रयास किया है कि अगर वह डॉक्टर नहीं दे पा रहे हैं तो बेहतर है कि वह अस्पताल में ताला लगा दें ताकि दूर दूर से इलाज की उम्मीद में सोलन आने वाले रोगी भ्रमित न हो और वह बेहतर इलाज करवाने किसी और अस्पताल का रुख करें जहां उन्हें चिकित्सक उपलब्ध हों। अधिक जानकारी देते हुए आमरण अनशन पर बैठे युवाओं ने कहा कि वह अब जिला प्रशासन, सरकार और सिस्टम से आर पार की लड़ाई लड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं, इसीलिए उन्होंने आमरण अनशन आरंभ कर दिया है और अब वह मन बना चुके हैं कि शहरवासियों की खातिर चाहे उनकी जान भी चली जाए लेकिन वह अब सोलन अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाकर ही दम लेंगे और अगर सरकार डॉक्टरों की संख्या नहीं बढ़ा सकती है तो वह अपने हाथ खड़े कर ले और हम जो ताला लेकर आए हैं वह अस्पताल पर लगाकर अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि अब वह इसी तरह के ताले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भी सौंपे जाएंगे ताकि रोगी कहीं और जाकर अपना इलाज करवा सके, क्योंकि आज के समय में रोगी इलाज करवाने इस भ्रम में आ रहा है कि सरकारी अस्पताल में अच्छा और सस्ता इलाज मिलेगा लेकिन यहां उसे चिकित्सक ही नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में रोगी को रोग से हुई पीड़ा को तो झेलना पड़ता ही है, साथ में उसे समय और पैसा गंवाने का दर्द भी झेलना पड़ता है और बिना इलाज करवाए ही वापस लौटना पड़ता है। कि शासन और प्रशासन जाग ही नहीं रहा है, उनको पता ही नहीं लग रहा है कि हम उनको तक क्या संदेशा पहुंचाने जा रहे हैं। तो आज हमने उनको एक ताला सौंपा है कि इससे अच्छा है कि जहां शिमला और सिरमौर से लोग इस अस्पताल में आते हैं तो आप इस अस्पताल में ताला लगा दें ताकि जब उन लोगों को पता होगा कि इस अस्पताल में ताला लगा हुआ है तो वो आएंगे नहीं। कि इसी तरह के ताले हम सीएम साहब को, पीएम साहब को और विपक्ष के नेताओं को भी भेजेंगे, क्योंकि ये लड़ाई कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है, ये सभी लोगों की लड़ाई है। और लोगों से मेरा खास तौर पे एक अनुरोध रहेगा कि यदि हम 3 लोग आप लोगों के लिए ये सोचकर कि ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारा साथ दें। इस विषय पर जब एमएस महेश गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि युवा करीबन 7 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें वह अब आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। इसके बारे में उपायुक्त सोलन और स्वास्थ्य निदेशक को सूचित कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि आज उन्हें युवाओं ने ताला सौंपा है और मांग की है कि वह जल्द से जल्द डॉक्टरों का प्रबंध करें। जिस दिन से लोग स्ट्राइक पर बैठे थे हम लोगों ने डायरेक्टर, डीसी, एसपी सबको इंटीमेट कर दिया था और साथ के साथ ही उसी दिन से इनका हम मेडिकल चेकअप भी कर रहे हैं और आज इनको 7वां दिन हो गया है यहाँ पे बैठे हुए, तो आज भी इनका मेडिकल करवाया गया है, टेस्ट लिए गए हैं और जब भी रिपोर्ट आती है डेली इनके मेडिकल चेकअप हो रहा है। ताला देकर इन लोगों ने ये कहा है कि हॉस्पिटल को बंद किया जाए बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द डॉक्टर एंड पैरामेडिकल स्टाफ। हैरानी वाली बात यह है कि पिछले 5 दिनों से युवा भूख हड़ताल पर हैं और 2 दिनों से वह पानी भी छोड़कर आमरण अनशन आरंभ कर चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मंडल अभी तक उनसे मिलने और आश्वासन तक देने नहीं आया। हद तो इस बात की है कि कसौली विधानसभा क्षेत्र से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मेले की मीटिंगों के लिए अधिकारियों से बैठक जरूर कर रहे हैं लेकिन अस्पताल में चल रहे इस आमरण अनशन पर वह भी चुप्पी साधे हुए हैं और उन्होंने भी अस्पताल आने की जहमत तक नहीं उठाई, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है और उसे आम जनता से कोई लेना देना नहीं है और शायद उनकी यह नींद अब 2019 के लोकसभा चुनावों में खुलेगी।